हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर गीतराज और आज मैं बात करने वाला हूँ ओरल कैंसर के बारे में। बेसिकली ये उतना कुछ मेडिकल टर्म्स के ऊपर नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऐसा बना रहा हूँ वीडियो कि जो नॉर्मल इंसान को भी समझ में आ जाए। ज़्यादा कोई मेडिकल टर्म्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले आपको एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में एक हाल ही में रिपोर्ट आई जिसमें 70,000 पीपल्स हर साल ओरल कैंसर से मर जाते हैं। लिटरली 70,000 पीपल्स, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश का भोपाल टॉप रैंक पे है, टॉप रैंक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी क्यूरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कर रहे हैं तो यार, अब बात करते हैं कॉजेज की, कि क्या चीजें हैं जो कॉज करते हैं। सबसे पहले कॉज करते हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान। इस सारे तो समझ ही गए हुए, खैर छोड़ो। गुटखा, पान मसाला और किसी भी तरह का तंबाकू प्रोडक्ट आपको ओरल कैंसर की तरफ एग्रीगेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, राजश्री हो गया, विमल पान मसाला हो गया, ये सारी चीज़ें भी हो गई, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, आपको हुक्का हो गया, सिगार हो गया, इन सब चीज़ों पर ऑलरेडी वार्निंग लिखी होती है, लेकिन लोग मानते तो है नहीं। खैर वो बात सब बात की बात है। दूसरी बात कि अगर मान लो आपके ओरल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम है, या आपने कोई भी रेस्टोरेशन करवाया है, डेंचर लगवाया है और उसमें उससे आपको तकलीफ होती है, वो बार बार आपको इंजरी कॉज करता है टिश्यूज़ में, या किसी टिश्यू में आपको दर्द, अभी किसी भी दांत के वजह से पेन हो रहा है, चुभ रहा है कुछ, एक बार आप चेक करवा लीजिए। उससे भी कहीं ना कहीं ओरल कैंसर एग्रीगेट हो जाता है। तो यार सबसे पहली बात है कि जुबा केसरी नहीं बोलना है। अगर आपने जुबा के तक तुम जुबा केसरी करोगे तब तक जुबा कैंसरस हो जाएगा और फिर जुबा काटनी पड़ जाएगी और फिर आप बोलोगे कि यार ये क्या हो गया। बेसिकली लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब कैंसर उस लेवल पे पहुंच जाता है, उस स्टेज पे पहुंच जाता है जब आपको प्रॉब्लम होने लगती है और आखिरी में सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो ट्राई कीजिए, अवॉइड करें। और हाँ यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मल पान या ज़्यादा खाने से भी कैंसर होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है, एग्रीगेट हो सकता है, और जेनेटिक भी कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर होता है। जेनेटिकली भी कैंसर कॉज हो सकता है, एग्रीगेट हो सकता है। तो ये तो हुई कॉजेज की बातें। अब इसका क्या है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले होता है कि स्वेलिंग, अगर आपके माउथ में कहीं भी सबको स्वेलिंग दिख रही है और वो बॉर्न ठीक नहीं हो रही है, या फिर आपको स्वेलोइंग मतलब कुछ भी खाना निकलने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, पेन आ रहा है, तो ये मे भी चांसेस होते हैं कि ओरल कैंसर आपको हो। उसके अलावा आपको एक और प्रॉब्लम हो सकता है, बेसिकली अगर आपके माउथ में आपका कोई अल्सर हुआ है और बहुत दिन से, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10-15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन, 25 दिन हो चुके हैं, वो हील नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो ओरल कैंसर का भी रिजल्ट हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माउथ में कहीं भी अल्सर हुआ, कुछ भी हुआ, आप डॉक्टर के पास जाके बोल दें कि मुझे ओरल कैंसर, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ चीज़ें होती है, डायग्नोसिस क्राइटेरियाज होते हैं, आपको डायग्नोस करवाना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात है, अगर आपके मुंह में कोई स्वेलिंग है या आप कुछ अजीब सा लग रहा है तो आप जाएंगे किसके पास, तो डायग्नोसिस के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है किसी नॉर्मल डेंटिस्ट के पास, वो आपको रेफर करेगा किसी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होंगे आपके पास से सैंपल लेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे और वो भेजेंगे किसी ओरल पैथोलॉजिस्ट के पास, जहाँ से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में दो चीज़ें होती है, एक FNAC हो सकता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, और आपको एक और हो सकता है आई थिंक बायोप्सी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह पे होता है ओरल कैविटी में, ये कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके टंग पे भी हो सकता है, आपके चीक्स पे हो सकता है, आपके टूथ को इन्वॉल्व भी कर सकता है, साथ में बहुत कॉमनली होता है मैंडिबल में होना, ऑब्वियसली बात है, आपके लिप्स में भी हो सकता है, गम्स में हो सकता है, इसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, ये कहीं भी एग्रीगेट हो सकता है, कहीं भी निकल सकता है, तो इसका कोई स्पेशलाइज्ड जगह नहीं है, ये ओरल कैविटी में कहीं भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं किसी के मुंह में आपने स्वेलिंग देखा या फिर किसी के मुंह में आपने अल्सर देखा, उसे बोल दिया भाई तेरे को तो कैंसर हो सकता है, तो उस इंसान की तो मतलब वही जान निकल जाएगी, बेचारा वहीं मर जाएगा, हो ना हो वो बात की बात है। तो ऐसा नहीं कर सकते, पहले आप डायग्नोसिस करवाएंगे, उसके बाद ही आप कैंसर की बातें उनको बताएंगे। जब तक डायग्नोसिस के पूरा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम उसे कुछ भी किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचने देते हैं। दूसरी बात आती है कि बेसिकली हम बेसिकली ट्रीटमेंट या फिर बोले कि इसका तरीका क्या है सिर्फ निजात पाने का, दो चीज़ें होती है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। पहले प्रिवेंशन बताता हूँ, कभी भी तंबाकू वाली चीज़ों से आप दूर रहें जितना हो सके उतना। अगर आपके मुंह में कुछ भी तंबाकू प्रोडक्ट खाने से छाले आने लगे हैं, आप वहीं बंद कर दीजिए, आप खाना ही छोड़ दीजिए। बेसिकली तंबाकू खाना ही नहीं चाहिए, बेसिकली बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह इन सबसे दूर रहिए। और दूसरी बात है ये कि अगर आपके मुंह में कोई भी डेंटल प्रॉब्लम एग्रीगेट हो रहा है तो बार बार डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाइए, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखिए। ये तो हुआ प्रिवेंशन, ये तो हुआ प्रिवेंशन। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहला था सर्जरी, अगर प्रॉब्लम हाथ से निकल चुकी है तो सीधे सर्जरी ही होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसर का स्टेज साइज या फिर हम वो है कि उसके ग्रेड पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा बेसिकली। अगर बहुत हाई लेवल पे जा चुका है तो सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, नहीं तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। तो ये तो हुई आज की बात ओरल कैंसर के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्यूरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल लोगों के लिए था, एज ए डेंटल स्टूडेंट एज ए डेंटिस्ट ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल लोगों को, ऐसा कोई भी मैंने बड़ा सा टर्म यूज़ नहीं किया है इसमें ताकि लोगों को आराम से समझ में आ जाए, प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मल सी वीडियो थी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।